श्वेता मधु त्रिषा के सपोर्ट में आएंगे पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह भोजपुरी के ऐसे अभिनेता हैं जो कि भोजपुरी में हो रहे गलत को वो बर्दाश्त नहीं करते। अब आपको हम बता दें कि क्या हुआ है गलत मधु त्रिषा के साथ और कैसे संबंध है मधु त्रिषा के पवन सिंह के साथ। और लॉकडाउन में मधु त्रिषा पवन सिंह के साथ कई एल्बम कर भी चुकी हैं। खैर, हम टॉपिक से हटते नहीं है, आते हैं फिर टॉपिक पर। आपको बता दें कि मधु त्रिषा लगातार कुछ दिनों से लाइव आ रही हैं और अपने पर हो रहे अत्याचार को बयां कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें किस तरह से धमकी दी जा रही है कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, और ये उन्होंने अभी तक उस भोजपुरी स्टार का नाम नहीं लिया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। जी हाँ, वो किसी और के बारे में नहीं, अभी अपनी हालिया हिट गाने को लेकर ही बात लगातार कर रही हैं। और वो किसके बारे में कह रही हैं ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, मधु त्रिषा ने ये भी कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि आप बिहार में हो, और साथ ही मधु त्रिषा ने ये भी बताया है कि उन्होंने जब से अपनी फीस बढ़ाई है उसके बाद उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की काफ़ी जातियां झेलनी पड़ रही हैं। जो प्रोड्यूसर उन्हें सोना बाबू कह के बुलाते थे और काम देते थे, आज उन्हें अपने प्रोजेक्ट से निकाल रहे हैं। और यहां पर मधु त्रिषा ने ये भी कहा है कि लगातार कई गाने हिट दिए हैं और अपनी मेहनत की वजह से वो अपनी फीस हाइक कर रही हैं। राजा तनी जाई ना बहरिया के बारे में भी यहाँ बात करती नजर आई। उन्होंने उस गाने को पूरा दिन और आधी रात तक शूट किया और लगातार शूट किया, और इस वजह से वो अपनी अब प्राइस को हाइक कर रही हैं, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। वैसे पवन सिंह ने काफ़ी लोगों की मदद की है, मधु त्रिषा उनके कई गानों में नज़र आ चुकी हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये सारी बातें अगर पवन सिंह को पता चलती हैं तो क्या वो उनकी मदद करते हैं या नहीं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।